जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो जी, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आज हम हमारी कान्हा जी को ठंडक देने के लिए आज उनके लिए फूल बंगले की सेवा करेंगे। आज उनके लिए एक सुंदर सा फूल बंगला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले एक चौकी पे हम एक अच्छा सा कपड़ा बिछा देंगे, और ये एक फूल बंगला है जो मैंने खुद ही कान्हा जी के लिए हाथ से तैयार किया है। बस यहाँ पे आज हम एक सुंदर सी झांकी सजाएंगे, सुंदर सा फूल बंगले का श्रृंगार करेंगे कान्हा जी का। तो फूल बंगले पे रियल फ्लावर लगाएंगे, और कुछ हम इस तरह से फेक प्लांट्स भी लगा के सुंदर सा एक फूल बंगला तैयार करेंगे। और यहाँ पे हमने कान्हा जी के लिए उनके प्रिय मोर, तोते, गौ माता और उनके खेलने के लिए सारी व्यवस्था कर दी है। झारी जी में जल भर के रख दिया है, और सुंदर सा फूल बंगला हमारा तैयार हो गया है। तो अब हमारे प्रभु जी के भी आप दर्शन कर लीजिए। तो आज हमारे कान्हा जी ने भी बहुत ही सुंदर सी फूलों वाली पोशाक धराई है। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। तो आप सभी भी आज हमारे कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की फूल बंगले की सेवा का आनंद लीजिए, और आप भी इसी तरह से अपने कान्हा जी का सुंदर सा फूल बंगला तैयार कर सकते हैं। तो जी, इस प्रकार से फूल बंगले में बहुत सारे सुंदर सुंदर से फूल हमने सजाए थे, फेक फूल सजाए हैं, और अब फूल बंगला है तो कुछ रियल फ्लावर तो होने ही चाहिए, रियल मतलब पुष्प तो होने ही चाहिए। तो इस तरह से ये गेंदे के फूल हैं और गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, इनसे अब हमारे प्रभु जी के फूल बंगला हम सजाएंगे। तो सबसे पहले हम एक उरली सजाएंगे, उसमें थोड़ा सा जल डाल के कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देंगे। इससे ये पंखुड़ियाँ बहुत समय तक ताज़ा बनी रहेंगी, चलेंगी, और इससे प्रभु जी को बहुत ठंडक लगे महसूस होगी। तो अब हम कान्हा जी की कर देते हैं इत्र सेवा। तो सबसे पहले ये मोगरे का इत्र है जो हमने कान्हा जी पे और सारे फ्लावर्स वगैरह पे लगा दिया है, जिससे यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी फूल, जितने देखने में सुंदर लग रहे हैं उतनी ही यहाँ से खुशबू आ रही है। खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सचमुच बहुत ही ठंडा ठंडा सा लग रहा है सब कुछ देख के। तो इस तरह से जो हमारा फूल बंगला है उसके ऊपर हम कुछ रियल फ्लावर लगाएंगे, कुछ जो असली के फूल हैं उनसे हम सुंदर सा फूल बंगला सजा देंगे। से देखिए कितना सुंदर सब कुछ लग रहा है, और बिल्कुल ठंडा ठंडी ठंडा सा मौसम भी आज बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो इस प्रकार से आप भी अपने कान्हा जी की फूल बंगला सेवा कर सकते हैं। और इस तरह से जब हम उरली में कुछ पुष्प रखते हैं तो बहुत सुंदर भी लगता है, और ये फूल काफ़ी देर तक चलते भी हैं। और अब हमारे प्रभु जी को हम ठंडी ठंडे जो भी शरबत है वो हम बनाएंगे। तो मैंने खस का शरबत, रोज़ का शरबत और ये मिल्क रोज़ बनाया है। तो आज हम जितनी भी ठंडी चीज़ें होंगी उन्हीं का भोग प्रभु जी को लगाएंगे। तो ये देखिए प्रभु जी ने भोग लगा लिया है, और इन्हें तो बहुत अच्छा लगा, तो इतने अच्छे से भोग लगाया है। और सब में हम तुलसी दल भी डाल देंगे, और जितने भी तरबूज का भी भोग लगाया है हमने, तो जितने भी मौसमी फल हैं, जितने भी जो ठंडे हैं, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, और लीची है, जामुन है, तो इस प्रकार से अब सारे ही ठंडे ठंडे शरबत वगैरह का और मौसमी फलों का भी भोग लगा सकते हैं इस मौसम में। और अब हमारे प्रभु जी की हम करेंगे पंखा सेवा। तो वैसे तो देखिए पंखे, कूलर, एसी सब लगे होते हैं, फिर भी हम प्रभु जी की इस प्रकार से मोर पंख की जो पंखी होती है उससे सेवा करेंगे। अगर आपके पास वो नहीं है तो इस प्रकार की कोई भी आप पंखी से आप पंखा झेल के प्रभु जी की ये सेवा का आनंद भी
ले सकते हैं। और अब प्रभु जी को और भी अच्छा लगे, और भी ठंडक महसूस हो, गर्मी नहीं लगे, तो इसके लिए आज हमने फवारी की भी व्यवस्था की है। ये है हमारा प्रभु जी के लिए कमल का फाउंटेन। इससे प्रभु जी को और भी ठंडक लगेगी और बहुत ही सुंदर से फूलों में से और बहुत सुंदर सा फूल बंगला सच के तैयार हो गया इस फवारी को लगाते ही। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से आप भी अपने प्रभु जी की सेवा कर सकते हैं। तो जी, आज की हमारी ये सेवा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।